ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने अपने बेटे की शादी उसकी पसंद के लड़की से करवाई थी। शुरू शुरू में मुझे अपनी बहू बड़ी अच्छी लगी थी, मासूम और सीधी सादी। धीरे धीरे अब मुझे वह खतरनाक लगने लगी थी, अजीब बदली बदली सी लगती थी। वह पहले बहुत अच्छी रहती थी मेरे साथ, अब मुझे देखती भी नहीं थी। मैंने अपने बेटे से उसके बदलते रंगों के बारे में बताया तो कहा, मम्मी आपको वहम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं अपने बेटे को देखती रह गई, भला मुझ में वहम क्यों होने लगा? मैं कौन सा उस पर नज़र रखे हुए थी जो वहम होता? ये तो मुझे महसूस होने लगा था, मेरी बात मेरे बेटे को वहम लग रही थी। मैं कैसे उसको समझाती? असली बात तो मुझे खटक रही थी कि मेरी बहू कंजूस थी। जो पैसा मेरा बेटा राशन के लिए देता, उसमें से बचा कर बहू अपने गुल्लक में डाल लेती। मेरे पूछने पर कहती, मैं हर महीने बचत कर लेती हूँ जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। पर मुझे तो कहीं पर भी उसकी बचत नज़र नहीं आती थी। मैं सब समझ रही थी उसकी बातें, उसके रंग ढंग जो वो दिख रहे थे, पर मैं अपने बेटे की वजह से चुप हो जाती थी। उसको कुछ नहीं कह पाती थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन वह अपना साड़ी पहनकर और पल्लू करके अपने कमरे से बाहर आई, पर मुझे देखकर रुक गई। कहने लगी कि मम्मी बाहर जा रही हूँ, कुछ काम से आ जाऊँगी। मैंने उसे कुछ देर तक उसका सर से पांव तक देखा, फिर वह कुछ घबराई सी लग रही थी। मेरी नज़रों से बचने के लिए वह जल्दी बाहर के दरवाजे से बाहर निकल गई थी। मैं उसके तेज़ कदमों की रफ्तार देखकर परेशान थी, जो कि जाते समय मुझे दिखाई दे रहे थे। मेरी बहू इतनी जल्दी में क्यों थी और कहाँ जा रही थी? मैं उसके जाने के बाद जल्दी से उसके कमरे में गई ताकि देख सकूं कि गुल्लक उसने कमरे में कहाँ रखा होगा। कुछ ना कुछ गुल्लक का करना पड़ेगा। मैं जब उसके कमरे में गई तो सारा कमरा बिखरा बिखरा हुआ था, सफाई नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। अपनी बहू के फूवड़पन से मैं तंग आ गई थी। एक एक करके नज़र मैंने उसके कमरे में डाला, उसने गंदे कपड़े अपने बेड पे ही फैला रखा था। अलमारी की तरफ बढ़ गई जहाँ पर बहू अक्सर अपनी गुल्लक रखते देखा था। मैं यही जानकर वहाँ पर चली गई, गुल्लक वहीं पर होगा। अलमारी खोलकर पूरी चेक कर ली तो मेरी आँखें हैरत से फटने के करीब आ गई। वहाँ तो गुल्लक नहीं था जहाँ मैंने अपनी बहू को रखते देखा था। मैंने उसकी सारी अलमारी छान मारी पर गुल्लक कहीं भी नज़र नहीं आया। इसलिए मैं अलमारी छोड़कर अब कमरे की तलाशी लेने लगी, पर मुझे वह गुल्लक कहीं नहीं मिली। शायद मेरी बहू उसको अपने साथ ही ले गई थी। पर वह उस गुल्लक को बाहर कैसे ले गई होगी? वह उस गुल्लक का बाहर क्या करती? मैंने तो उसके हाथ में देखी भी नहीं थी सिवाय एक बड़े पर्स के। वह कुछ भी साथ नहीं लेकर गई थी। वह क्या गुल्लक को अपने पर्स में डालकर ले गई थी? मेरे ख्याल से तो वह बहुत चलाक औरत थी। उसके काम तो देखो कैसे हम सब घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी। न जाने इतने पैसे क्या करती थी। झूठ कहती थी कि वह बचत करके बचा लेती है, और कभी तनख्वाह मिलने में देरी रहती है तो उस पैसे को खोलकर घर में खर्च करती है। मुझे मालूम था ऐसा कुछ नहीं था। वह पैसे घर के राशन में से काट लेती थी और न जाने हर महीने कहाँ पर खर्च करती थी। मैं ये बात खुलकर उससे इसलिए नहीं पूछ रही थी क्योंकि फिर वह बेटे को शिकायत लगा देती कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, और यूँ मेरा बेटा मुझसे गुस्सा हो जाता और उसका दिल मुझसे बदल जाता, जो मैं नहीं चाहती थी। मैं कुछ ऐसा करने का सोच रही थी कि अपनी बहू का राज भी मालूम हो जाए और मैं अपने बेटे को भी अपनी हिमायती बना लूँ। लेकिन उस वक्त गुल्लक उसके कमरे में मुझे कहीं नहीं मिला था। मैं उसके कमरे से बाहर निकल आई थी। कुछ देर बाद मेरी बहू भी आ गई थी। मैंने उसे फिर से बहुत गौर से देखा था। वह सीधा अपने कमरे में चली गई थी और मैं उसके दरवाजे से उसके कमरे के अंदर झांक रही थी। वह खुद बाथरूम में चली गई थी। मैं फुर्ती से उसके कमरे में गई और उसके पर्स को टटोला, पर वहाँ तो गुल्लक नहीं था। ये देख कर मैं बहुत हैरान हो गई। कल तो बहू के पास गुल्लक था, अब कहाँ चला गया? ना ही कमरे में था। इसका मतलब कि वह कल अपने साथ पर्स में ही गुल्लक रख कर ले गई थी और ना जाने किसको देकर आ गई थी। ये सवाल मेरे दिमाग में रह कर आ रहा था
लेकिन फिलहाल उसके कमरे से जाना जरूरी था, वरना मुझे बहू अपने कमरे में देख लेती तो 100 सवाल करने लग जाती। शाम का अब मेरा बेटा वापस आया तो उसके हाथ में गुल्लक देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। पर जब उसका गुल्लक लेकर अपने हाथ में देखा तो वह खाली था। उस बात पर मैंने अपने बेटे को सवालिया नज़रों से देखा तो कहने लगा, मम्मी ये रिंकी ने मंगवाया है, उसको ज़रूरत थी तो मैं आते समय रास्ते में एक रेड़ी पैसे ले आया हूँ, उसने मुझे कहा था। जब इतने में मेरी बहू भी कमरे से आ गई थी। मेरी बहू का नाम रिंकी था। उसने जब मेरे हाथ में गुल्लक देखा तो उसके चेहरे से मुझे थोड़ा सा नाराज़गी साफ दिख रहा था, जो कि मैं साफ महसूस कर सकती थी। एक नज़र उसको और फिर गुल्लक को देखा। मेरे बेटे ने कहा, रिंकी मेरे लिए चाय बना दो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मेरे बेटे ने उसे कहा तो वह मेरे हाथों पर ही नज़र जमाए हुए हाँ बोलकर अपना सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वह चाय बनाकर ले आई। हमारे लिए हम लोग आंगन में रखे सोफे पर ही बैठे हुए थे। चाय लेकर मेरे बेटे ने उसको बताया कि मैंने तुम्हारे लिए गुल्लक ले आया हूँ, तो बहू ने जल्दी से गुल्लक मुझसे ले लिया। फिर उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी नज़र आई, लेकिन मुझे बात खटक रही थी इसलिए मैंने पूछ ही लिया, जो पहले गुल्लक था तुम्हारे पास वो कहाँ गया? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर कुछ घबराहट दिखाई दी थी, लेकिन वह फिर भी चुप से अपनी मुस्कुराहट होंठों पर सजा कर बोली, मैंने तोड़ दिया था, कुछ दिन पहले पैसों की ज़रूरत थी, घर के लिए कुछ सामान चाहिए था। उसके जवाब पर मैंने अपनी आईब्रो उचकाई थी और अपने बेटे की तरफ देखा, लेकिन वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उस वक्त वह टीवी में मगन दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने तो कल ही तुम्हारे पास वह गुल्लक देखा था, और घर के लिए ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई जो हमें मालूम नहीं हुई? मैंने उसको बड़ी गहरी निगाहों से देखा। जब तो वह फंस गई थी मेरी बात के चक्कर में, अब तो ज़रूर उसका राज खुलेगा और वह खुद बता देगी कि उसने गुल्लक का क्या किया। और मुझे वह देखती रह गई थी। जब मेरे बेटे ने भी हमारी तरफ़ देखा, यकीनन वह मेरी बात से हमारी तरफ देखा था, इसलिए तो मैंने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कही थी ताकि वह सुन ले हमारी बात। यही हुआ था, बहू बोलने के अब बहाने ढूंढ रही थी, लेकिन शायद उसके पास कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। झूठ बोलने की भी हद होती है, उंगलियाँ चटका रही थी, मम्मी जी कल तो मेरे पास गुल्लक था ही नहीं, मैंने कल ही तो उनसे कहा था गुल्लक अगर होता तो मैं क्यों कहती। वह घर के राशन में काम आए थे जो उस दिन ख़त्म हो गया था, बाहर से मंगवाया था, यही तो लेकर आए थे, आपको याद नहीं? अब तो मेरी बहू ने ऐसी बात की तो मुझे ही झूठा बना दिया। अपने पति की तरफ इशारा किया, जब उसने कहा कि हाँ हाँ मैंने लाया था, याद है मुझे, तो क्या हुआ? खैर अच्छा तो करती है, वह गुल्लक में बचत कर लेती है और इस तरह पैसे बचाती है और फिर मुश्किल वक्त में काम आता है। उस दिन मेरे पास भी पैसे नहीं थे, यूं ही रिंकी के बचत काम आ गई थी। मैंने अपने बेटे की बात पर मुंह बना लिया। मेरी बहू बड़ी चालाक थी, ये मैं समझ गई थी, वह इतनी आसानी से अपना राज नहीं खोलेगी। वह मेरी तरफ भौं गिराई नज़रों से देखने लगी थी, गुल्लक लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं दिल ही दिल में मचल कर रह गई, इस बार मेरी बहू ने तो मुझसे बाजी मार ले गई थी। वह बेटे की नज़रों में अलग से मुझे गलत साबित कर दिया था। उसने अब की बार तो ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब शक होना शुरू हो गया था, जो बढ़ने ही लगा था कि बहू क्या काम कर रही है। उन पैसों के साथ उसने झूठ भी बोला था, जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह झूठ ना बोलती और कोई और बहाना बनाती तो सच समझ लेती तो शायद मैं फिर उस बात को ख़त्म कर देती, लेकिन यहाँ सरासर साफ झूठ बोला था उसने और मेरे बेटे के सामने मुझे झूठा साबित किया था। अगले दिन मेरी बहू की बहन हमारे घर आ गई, जो शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे। मेरी बहू उसके सेवा में लग गई थी, जबकि मैं भी उसकी बहन के पास बैठी हुई थी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसकी बहन कुछ परेशानी में थी और बेचैन महसूस कर रही थी। वह बार बार मेरी तरफ देखती और जब मैं भी उसको देखती तो वह फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा लेती थी, लेकिन उसके इशारे में देख रही थी जो मेरी बहू को कर रही थी। मैं उन दोनों के बीच में बैठी थी, वह अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं उन दोनों के हाव भाव देख कर समझ गई थी, इसलिए तो मैं महसूस कर रही थी वह कुछ बात करना चाह रही थी आपस में, लेकिन मेरे वहाँ होने की वजह से नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक मेरी बहू मुझसे बोली कि मम्मी आप कब से बैठी हैं, थक गई होंगी, आराम कर लो। उसकी बात पर मैंने
उसे घूरा, क्योंकि मुझे तो उसकी बात बेतुकी लगी थी। मेरे घूरने पर वह घबरा कर चुप हो गई और अपनी बहन को इशारा किया, जो कुछ ही देर में उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि अब मैं चलती हूँ। मेरी बहू ने थोड़ा सा उससे कहा कि रुक जाओ, पर उसने भी इशारा कनखियों में कह दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का, वक्त ख़राब हो जाएगा, मुझे देर हो रही है। उसकी बात मुझे समझ में आ गई थी। मैं हल्की हल्की मुस्कुराहट में मेरे होंठों को छुपाया, जो मैं जल्दी छुपा गई। दिल में एक ठंडक से उतर गई थी अपने बहू के चेहरे को देखकर, जो परेशानी की घबराहट से उतर गया था। वजह यह थी कि उसकी बहन गुस्से में जा रही थी हमारे घर से। आज वैसे तो वह हमेशा ऐसा नहीं करती थी। मेरी बहू के मायके में से जब भी कोई आता, मैं 2 घड़ी बैठकर अपने कमरे में चली जाती थी, लेकिन आजकल बहू का राज जानने का शक हो गया था, तो उसकी हर छोटी सी छोटी बात को भी अपने ध्यान में रखती थी। अब भगवान न जाने उन दोनों बहनों को ऐसी कौन सी बात करनी थी जो मेरे होते हुए नहीं कर सकती थी। मुझे तो अब ज़्यादा बात जानने की चाहत बढ़ गई थी। हर हाल में ये सब जानना था। मेरी बहू की बहन जाते वक्त उसके हथेली में कुछ थमा गई थी, जो मेरी तेज नज़रों से बच नहीं पाई थी। मेरी बहू ने अपनी तेज़ी से मुट्ठी बंद की। मैं इंतज़ार में थी। जैसे ही उसकी बहन घर से बाहर गई, तो मैं अपनी बहू के हाथ में देखना चाह रही थी। उसकी मुट्ठी खोलूंगी, देखूं तो उसकी बहन उसको क्या देकर गई है। बहू ने फुर्ती से बहन के जाने के बाद अपने कमरे में चली गई। मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ पूछने का। मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का सी वहीं खड़ी रह गई। मैं पलटने ही लगी थी, जब दरवाजे से वापस बहू की बहन आ गई और मैं उसे वापस आता देखकर हैरान रह गई। अब वह वापस क्यों आई है? आंटी, रिंकी कहाँ गई? मुझे काम था, एक बात कहना भूल गई थी, उसने मुझसे पूछा तो मैंने तंग नज़रों से उसे देखकर उसको कहा कि वह अपने कमरे में गई है। वह वहाँ जल्दी से बहू के कमरे में चली गई। मैंने बंद दरवाजे को थोड़ा सा घूरा। उनकी सारी साजिश समझ गई थी जो उन्होंने की थी। ज़रूर ऐसी तो कोई बात थी जो उन दोनों को छुप कर करनी थी मुझसे, पर ऐसी बात भी क्या थी। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बहुत कोशिश के बाद भी मुझे पता ना चल सका। मैं वहाँ से हट गई। फिर मुझे मालूम हुआ कि उसकी बहन घर से चली गई है। उस समय तो ना मैंने अपनी बहू के बहन के जाते देखा और ना ही बहू से कुछ पूछ पाई कि उसकी बहन क्या करने आई थी। तब तक शाम हो चुकी थी। मेरा बेटा काम से वापस आ चुका था। अब बेटे के सामने अगर बहू से पूछती तो वह ज़रूर मुझे कल की तरह आज भी मेरे बेटे के सामने मुझे झूठा साबित कर देती, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए फ़िलहाल मैं चुप हो गई थी। मैं ये सब बातें सोच सोच कर खून के घूंट पी रही थी। रात के खाने के बाद बहू किचन में बर्तन धो रही थी, जब मैं वहाँ पहुँची और उसके कंधे पर पीछे से हाथ रख कर उसको अपनी तरफ करना चाहा। अचानक वह मेरी इस हरकत से डर गई, घबरा कर झटके से पीछे मुड़ी। जब उसने मुझे देखा तो उसने सीने पर हाथ रख ली, अपने दिल की धड़कन को काबू करने लगी, जो डर से बढ़ गई थी। क्या हुआ? फिर उसने मुझसे सवाल किया, माँ आपने तो मुझे डरा ही दिया था, इस समय कुछ चाहिए था क्या? उसकी बात को मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी ही बात शुरू कर दी, सच सच बताओ मुझसे तुम लोग क्या छुपा रही हो और तुम्हारी बहन ने तुमको क्या दिया था और वह गुल्लक कहाँ गया जो तुमने पहले पैसे जमा किए थे और वह पैसे कहाँ गए? तुम हर बार गुल्लक मंगा रही हो और उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता है कि तुम घर में पैसे खर्च नहीं करती हो और बेटे से झूठ बोलती हो। तुम मेरी नज़रों से बच नहीं सकती। तुम मुझे बताओ वह पैसे क्या करती हो? जिस क्लास में तुम अभी पढ़ रही हो मैं पढ़कर छोड़ चुकी हूँ। मुझे भी घर चलाने आता है, तो मुझे ऐसी बातों से मत बहकाओ और मुझे साफ साफ बताओ तुम पैसों का क्या करती हो। अपनी बात ख़त्म करके उसको मैंने आंखें दिखाई ताकि वह मेरे गुस्से से डरकर सच बोले, पर तो वह चुप खड़ी थी और उसने मेरे पीछे अपनी नज़रें दौड़ाई तो अब पीछे मुड़कर मैंने देखा सामने से ही मेरा बेटा किचन में आ रहा था। आते के साथ बोला, रिंकी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ अभी तक? पर मुझे वहाँ देखकर वह हैरत में पड़ गया। मम्मी आप भी अभी तक जाग रही हो, आज सोई नहीं हो? इस बात पर मैंने बहाना बनाया कि मैं बर्तन धोने आई थी
तो रिंकी से कहा कि तुम जाओ आराम कर लो, सारा दिन थक जाती हो, बर्तन मैं धो लेती हूँ। तो बस यहीं पर आ रही थी। मुश्किल से बहाने को सोचकर मैंने उससे कह दिया, पर वह कहने लगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है बर्तन धोने की, आप जाकर आराम करो, रिंकी ये सब कर लेगी। ये शब्द तो मैंने अपने बेटे को सुनाने के लिए कहा था कि अपने कमरे में आ गई, और भगवान की कृपा हुई थी कि उसने मेरी रिंकी से कही बात नहीं सुनी थी, वरना मेरा बेटा आज मुझसे ज़रूर गुस्सा हो जाता। मैं उसकी नज़रों में अच्छी बन गई और काम भी नहीं करना पड़ा। सुबह को जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे बेटे ने बहू से कहा कि तुम तैयार होकर आ जाओ, मैं ऑफिस जाते जाते तुम्हें छोड़ जाऊंगा। उसकी बात पर मैंने समझी, उन दोनों को देखा कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब मेरा बेटा बोला कि रिंकी को अपनी बहन के घर जाना है, वह मुझसे कह रही थी काम पर जाते हुए उसे वहाँ छोड़ जाऊं। मेरी बहू जो उठ रही थी वहाँ से मेरे बेटे की बात सुनकर बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी, शायद मेरे चेहरे के हाव भाव देखना चाह रही थी जो मैंने छुपा लिए। अपने चेहरे के बिगड़े हुए हाव भाव को जाहिर नहीं होने दिया, पर मैंने अपनी बहू से कहा कि कल ही तो तुम्हारी बहन मिलने आई थी, आज तुम उसके घर क्या करने जा रही हो? हाँ मम्मी, कल इसकी बहन ने इससे कहा था कि मेरे घर पर आ जाना, ज़रूरी काम है, कोई बात करनी है, मेरे बेटे ने कहकर बात ख़त्म कर दी। जबकि मेरी बहू मुस्कुराती हुई वहाँ से उठ गई और 5 मिनट में साड़ी पहनकर घूंघट निकाल कर बाहर निकल आई। मेरा बेटा मुझसे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया था और मुझे नमस्ते करने लगा। जब मेरे हाथ में चाय का कप था, मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दी। जब मेरे कप से चाय गिरकर बहू के कपड़े पर गिर गई तो वह हड़बड़ा गई और मेरी तरफ देखने लगी, पर यह सब अनजाने में हुआ था मुझसे, तो वह जल्दी कह दिया कि मालूम नहीं हुआ, गलती से हो गया। मेरी बहू कमरे में गई और दूसरे कपड़े पहनकर आ गई। चलो बाहर अच्छा नहीं लगता, पर मेरी बहू ने न जाने अपनी बहन से ऐसा कौन सा काम था जो कल पूरा नहीं हुआ था, आज उसने वहां जाकर पूरा करना था। उसने कहा कि वह मेरी साड़ी पहन रही है, उसको अपनी बहन के पास जाना ज़रूरी है। जाते हुए मैंने उसके कमरे में झांका तो उसका मोबाइल बेड पर ही पड़ा था, साथ ले जाना भूल गई थी, और उस मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था कि तेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं तो अपने सास के पहन ले, फिर कुछ भी कर जल्दी से आंटी के घर पर आ जा, हमारा काम होना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज पढ़कर मैं तो हैरान हुई, फिर मुझे यूँ लगा जैसे इस मैसेज के ज़रिए मैं उस राज तक पहुंच सकती हूं। मैसेज को दोबारा मैंने गौर से पढ़ा तो मुझे उस जगह का मालूम हुआ। बहू का कपड़ा पहनकर चली गई। उस समय ये भी भूल गई थी कि बहू के साड़ी पर चाय गिरी हुई थी। मैं उस आंटी को अच्छी तरह से जानती थी जिसके घर मेरी बहू अपनी बहन को बुला रही थी। मैं चली गई उनके घर के सामने। दुकानदार ने जब अंदर बुलाया, वहाँ का सीन देखकर मेरे तो दिमाग घूम कर रह गया। वह दुकानदार मुझे क्यों बुला रहा है, मेरे लिए हैरानी की बात थी। न जाने वह क्या सोचकर दुकानदार मुझे बुला रहा था। फिर मैं अंदर चली गई। उस आदमी ने मुझे गौर से नहीं देखा था। उसने मुझे कहा कि यहाँ से पर्ची ले लो, अंदर कमेटी चल रही है। यह सुनकर तो मैं बिल्कुल हक्का बक्का सी हो गई थी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बहू ऐसा काम कर सकती है। जब घर पहुंची तो मेरी बहू वहां पहले ही पहुंच गई थी। मुझे अपने साड़ी में देखकर हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी कि मैं कहां गई थी, पर मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुप से उसको देखने लगी। चुप हुए काफ़ी देर हो गया था तो मरी मरी आवाज़ में उससे बोली कि मैं आज बाजार गई थी और तुम्हारा सच भी जान लिया है। मेरी बात से वह घबरा गई और मुझे सहमी नज़रों से देखने लगी। मैंने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझ पर हमेशा शक करती रही कि न जाने तू पैसों का क्या करती है, कहीं पैसे तू अपने मायके वालों को तो नहीं दे रही है, यही डर हमेशा सताता रहता था। लेकिन जैसे तू पैसे जोड़ रही थी, ऐसे ही मैंने अपना घर चलाया था, अपने सास से छुपकर और अपने घर वालों से छुपकर, अपने बच्चों के लिए मैंने भी ऐसे ही पैसा जमा करती थी और कई कमेटियां चलाती थी। अगर मैं गलत नहीं थी तो तू भी गलत नहीं है, तू भी तो वही सब कर रही है। मेरी गलती थी कि मैंने तुझ पर शक किया, और तेरी बहन जब घर आई थी
तो उस पर भी शक कर बैठी थी। मुझे नहीं मालूम था तुम दोनों बहनें मिलकर कमेटियां चला रही थी और अपने परिवार को सुखी रखने के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन बहू, तुम ये सब भी तो बता सकती थी। मेरी बहू हकीकत में कंजूस नहीं थी। मेरे गुस्से की वजह से दोनों मुझसे बातें छुपा जाते थे। मेरे बेटे को भी रिंकी के कमेटी के बारे में मालूम था, बस दोनों ने मुझसे ये बात छुपाए रहे थे। गुल्लक में पैसे जमा करने का फ़ायदा था, उसमें आसानी से पैसे जमा कर लेती थी और उसमें से निकाल भी नहीं सकती थी वापस। वरना हम लोग अक्सर मौके पर जब पैसे जमा करते हैं तो ज़रूरत के समय निकाल लेते हैं, और गुल्लक का ये फ़ायदा था कि उसमें से पैसे निकाल नहीं सकते थे, यूँ जमा करना आसान हो जाता था। मेरी बहू ने मुझे बताया कि उस दिन उसकी बहन भी उसे कुछ पैसे देने आई थी, पर अगर वह मेरे सामने देती तो मैं सवाल करती, उसने इसलिए छुपाकर देना चाहती थी। इस पर मैंने कुछ बात करना चाह रही थी, जब सारी बात मेरे सामने आ गई और साफ हो गई तो मैंने खुले दिल से बहू को परमिशन दे दी उस कमेटी को चलाने की और उससे माफ़ी भी मांग ली। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।